इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं हुकूमत हिंदुस्तान तक सिर्फ ये बात पहचाना चाहता हूं, ये नोट से जिसमें धमकी है कि आपको जेल जाना है तिहाड़ जेल, इससे हमारे स्पिरिट खत्म नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह गवाह हमारा स्पिरिट बढ़ जाता है। And believe me, I would like to convey to the Indian state that I am right now impatient to enter into your death cell in Tihar jail. Hamara leader Shaheed Azam Mohammad Maqbool Bhatt hai, jisne hame phansi ke phande pe chadhna sikhaya. Ek freedom fighter ke liye tehreek azadi uska ishq hota hai. और आशिक का काम है इश्क में जल जाना। आशिक को कोई डरा नहीं सकता है, आशिक को कोई धमका नहीं सकता है, आशिक के अंदर कोई खौफ पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हुकूमत हिंदुस्तान शौक से अपने तिहाड़ जेल के दरवाजे खोले, हम इसमें रहने के लिए तैयार है जिंदगी भर। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 2022 में यहाँ तहरीक का कोई वजूद नहीं हो, वो यही समझते हो दहशत से ये सारे लोग सरेंडर करेंगे। तो 2022 में हम भी देखेंगे कि वो दिल्ली में होंगे और इंशाल्लाह ये तहरीक कश्मीर में होगी, और ये तब तक होगी जब तक ये तहरीक आज़ादी कामयाब नहीं होगी।